हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीजर्स के बारे में। तो सबसे पहले इंटीजर्स क्या होते हैं? दे आर द नंबर्स विच हैव नेगेटिव साइन, ज़ीरो इंक्लूडेड एंड पॉजिटिव साइन। तो इंटीजर्स के बेसिक रूल्स में क्या आ जाता है कि कैसे हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं, एक हमारा नंबर नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है, तो वो कैसे ऐड होंगे, कैसे मल्टीप्लाई होंगे। तो इसके कुछ रूल्स हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और ये इंटीजर्स जो है वो क्लास सिक्स से स्टार्ट हो जाता है एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम कुछ केसेस में डिस्कस करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेट्स स्टार्ट। केस वन इज एडिशन। तो एडिशन में क्या होता है कि कोई भी दो नंबर्स ऐड होते हैं तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, हम वे डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स। तो लेट्स डिस्कस। अब देखिए, पहले जो हमारे टू डिजिट्स हैं वो दोनों ही पॉजिटिव हैं, 4 और 5। अब उन दोनों को ऐड करेंगे तो सिंपल आंसर आएगा विच इज़ 9। अब सेकंड केस की बात करते हैं, तो हमारा एक जो इंटीजर है वो नेगेटिव में है और दूसरा जो है वो पॉजिटिव में है। अब दोनों के साइंस हैं डिफरेंट, तो होता माइनस है बट साइन आएगा जो बड़ा होता है। जैसे 5 माइनस 4 आएगा तो 1 ही, बट ये पॉजिटिव का आएगा कि नेगेटिव का, वो डिपेंड करता है कि साइन किसका बड़ा। जैसे 5 का बड़ा था तो पॉजिटिव 1। अब नेक्स्ट केस, 4 पॉजिटिव माइनस 5। इस केस में अब माइनस 5 हमारा बड़ा है, ठीक है, और 4 के आगे पॉजिटिव साइन है, होता तो ये माइनस ही है बट इसमें आंसर आएगा हमारा -1, क्योंकि 5 बड़ा है और उसके आगे जो है वो नेगेटिव साइन है। तो इसको बड़ा ध्यान रखना है। अब हमारा नेक्स्ट केस आ जाता है जब हमारे दोनों ही इंटीजर्स जो हैं वो नेगेटिव में हैं, -4 और -5, इनको हम ऐड कर रहे हैं। तो क्योंकि सेम साइन है तो ये होता तो प्लस है, आएगा तो 9, बट क्योंकि साइन दोनों के पास नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, -9 आएगा। नाउ केस 2 विच इज़ द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। मेरे पास दो इंटीजर्स हैं, एक पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, बट उनके बीच में जो साइन है वो नेगेटिव है, तो इससे एक इंटीजर पॉजिटिव का बन जाता है, एक नेगेटिव का। तो ये होगा तो माइनस ही, क्योंकि साइन डिफरेंट है, बट साइन आएगा जो बड़ा है। जैसे 3 पॉजिटिव है, वो बड़ा है, तो 1। सेकेंड केस में 2 माइनस 3, अब माइनस जो है वो 3 के आगे हैं, होता ये माइनस ही है, बट आंसर आएगा, साइन आएगा बड़े का, विच इज़ -1। अब सेकेंड केस, -2 और -3 हमारे इंटीजर्स हैं, बीच में नेगेटिव साइन आ गया, तो वो नेगेटिव और दूसरा नेगेटिव मिलके तो पॉजिटिव बना देता है। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में है रूल, मैं बताऊंगी। देन -2 प्लस 3 1 आएगा, क्योंकि 3 जो है वो पॉजिटिव है और बड़ा है, तो उसका साइन आएगा, होगा वैसे ये माइनस ही। ऐसे ही नेक्स्ट केस देखिए, इसमें दोनों ही इंटीजर्स हमारे नेगेटिव हैं और बीच में है नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, -3 प्लस 2। अब दोनों के साइन डिफरेंट है, होगा ये माइनस ही, बट साइन आएगा 3 का, विच इज़ नेगेटिव, तो आंसर बन गया -1। नाउ अब हमारा नेक्स्ट केस है मल्टीप्लिकेशन का, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट केस है कि हमारे दोनों ही इंटीजर्स जो हैं वो हैं पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसमें सिंपल रिजल्ट आएगा कि वो 20 बन जाएगा, 5 इंटू 4 इज़ 20। सेकेंड केस में दोनों ही नेगेटिव हैं, तो इस केस में क्या होगा कि दोनों साइंस जो हैं वो कट जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा। याद रखना, जब भी इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन होगा वो कट जाएगा, तो सिंपल आंसर आ जाएगा 20। बट अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन है, इन थर्ड केस, जैसे कि -5 इंटू 4, वन नेगेटिव साइन है, तो मल्टीप्लाई करके तो 20 आएगा, बट वो माइनस भी साथ में जाएगा, -20 बन जाएगा। नेक्स्ट केस भी देखो, -4 इंटू 5 -20। इस केस में आपने ये नहीं देखना कि नंबर कौन सा बड़ा है कौन सा नहीं, इसमें बस आपने ये देखना है कि अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन है तो कट जाएगा, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन है तो वो रहेगा। नाउ सेम इज़ द केस फॉर डिवीजन ऑल्सो। डिवीजन में अब डिवाइड का साइन आ जाएगा। अब देखो, हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, उनमें डिवाइड का साइन है, ये सिंपली डिवाइड होगा क्योंकि दोनों के पास जो है वो पॉजिटिव साइन है। सेकेंड केस में एक के पास नेगेटिव साइन है, तो सिंपल डिवाइड होके -5। इसमें भी हम वही देखेंगे, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस है तो वो आंसर के साथ रहेगा। थर्ड केस में भी अब -10 बड़ा है उसके पास है, तब भी -5 रहेगा। इसमें भी आपने बड़ा छोटा नंबर नहीं देखना है। सेकेंड लास्ट केस है हमारा कि दोनों के पास जो है वो नेगेटिव साइन है, तो इस केस में इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस बन जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये कट जाएंगे और हमारा आंसर सिंपली 5 आ जाएगा। तो दिस इज़ इट। ये थे हमारे रूल्स इंटीजर्स के, उनको सॉल्व करने के।
आई होप कि दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू इन अ वे, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर. थैंक यू.